जय हिंद साथियों जय भारत जय फूले सभी साथियों का स्वागत है हार्दिक अभिनंदन आप सब लोग कुशल होंगे मंगल होंगे यही मेरी ईश्वर से कामना है और सभी साथी जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने तमाम भाइयों को जोड़ने का काम करें ताकि आज जो विशेष उद्देश्य के साथ में जो चर्चा के लिए आए हैं वो चर्चा हो सके आप तक एक बहुत बड़ा मैसेज देना है वो मैसेज मैं आपके बीच में दे सकूँ और मेरे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं तमाम भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे युवा साथी मैं उनको भी कहना चाहता हूं फटाफट आपके पास में सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है चाहे से आपके पास में फेसबुक हो व्हाट्सएप हो चाहे से इंस्टाग्राम हो चाहे से व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या फेसबुक के ग्रुप हैं उनमें सब जगह जोड़ने का काम करें आज मैं मेरे गाँव से लाइव बीच में आ रहा हूँ आपके आपके बीच में बहुत जल्द से जल्द जुड़ जाएं आज एक विशेष मुद्दे की चर्चा करनी है अपने को जो भी मुझे साथी देख रहे हैं वो फटाफट अपना कीमती समय देते हुए अपने जितने भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी फेसबुक के ग्रुप हैं वहाँ शेयर करें व्हाट्सएप पे शेयर करें और सभी क्रांतिकारी साथियों को जोड़ने का काम करें ताकि जो जिस उद्देश्य से हम जो लाइव आ रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो सके और देखो सौ लोग जैसे जुड़ जाएंगे तो फिर उससे बाद में मेरी बात स्टार्ट करता हूँ उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी भाई आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ जो प्यार दे रहे हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं मुझे जन आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ इस चाहे इस हौसला बढ़ाने में हमारे सोशल मीडिया के क्रांतिकारी होती हों चाहे से जितने भी युवा साथी जो गाने बना रहे हैं आज बहुत सुंदर सुंदर गाने सुनने को मिलते हैं मुझे भी पहले कभी मैंने सुने नहीं थे इतने सुंदर गाने लेकिन आज पहली बार ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए जो गाने बनाए उसके लिए मैं हमेशा जीवन भर रहनी रहूँगा क्योंकि आपके हम रहें या ना रहें लेकिन आपकी जो संगीत है आपके जो गाने हैं वो हमेशा रहने वाले हैं इसलिए सबसे पहले तो मैं संगीतकारों का भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत सारे उन लेखकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आज कहीं ना कहीं हर एक युवा के अंदर उसके रक्त जो सोया हुआ रक्त था जो एक तरह से कहें कि कायर रक्त था उसमें आपने जोश और जुनून डाला और एक वीर योद्धा कि जैसे आप लोगों ने आप लोगों को तैयार किया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे साथियों बहुत सारी चर्चाएँ हैं आपके बीच में करने की पिछले लगातार से काफ़ी समय से आपके फ़ोन मैसेज आते रहते हैं चर्चाएं भी होती रहती हैं लेकिन आज विशेष चर्चा यही है सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तमाम साथियों का मैं तमाम राजस्थान के दो जगह जो आपने ज्ञापन दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों ने फिर एक बार वो ताकत दिखाई क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ चंद लोगों ने अपने इस आंदोलन को कुचलने का अनेक प्रकार से प्रयास किया था लेकिन आपने उसी जोश के साथ में वापस ये ज्ञापन देकर ये बता दिया गया कि हम इस आंदोलन के लिए हर पल तैयार हैं हर तरीके से तैयार हैं, हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए चाहे से वो प्यार से मिले ठीक है वरना बेराज छीन लेंगे ये आज आपने ये बता दिया ये ज्ञापन देकर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जगह हम पहुंच पाएंगे क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त था ऊपर से कुछ समय से मैं मेरे आई फ्लू होने की वजह से मैं सोशल मीडिया देख नहीं पा रहा था आपसे फोन पे बात नहीं हो पा रही थी लेकिन मैंने किसी को भाई को भी फोन नहीं किया लेकिन आप लोगों ने जिस ताकत के साथ जो ज्ञापन दिया पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से दो जगह ज्ञापन दिए वो कहीं ना कहीं एक जोश और जुनून भरने वाली बातें हैं मेरे साथियों बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे आपको कि ज्ञापन से क्या होता है, हो, है।, है? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनके पास में हमारे ज्ञापन जाते हैं वो पढ़ते हैं उनके अधिकारी देखते हैं कि ये चेतावनी कितने लोगों की आ रही है मेरे साथियों यही सबसे बड़ी ताकत थी आपने ज्ञापन दिया और आप ज्ञापन देना सीख गए ये हमारी पिछले दस साल की मेहनत का नतीजा है कि हमने ज्ञापन देना सीखा इसी के साथ लगातार आंदोलन करना सीख रहे हैं और मैं आप सब भाइयों को उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस अभी प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो कभी ज्ञापन देने जाना जाते नहीं है क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनको क्या मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम क्यों कर रहे हैं आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें तो ये लगता है कि हम नेतागिरी करने के लिए कर रहे हैं मेरे भाइयों ये नेतागिरी नहीं होती है अरे नेतागिरी होती तो हम कोई पार्टी ज्वाइन करते और अब तक कहीं ना कहीं पहुंच जाते लेकिन हमारे दिल में कोई पीड़ा थी हमारी यही इच्छा थी कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए वही पीड़ा हमें यहाँ तक लेके आई हम जब हमारे परिवार को दिन रात खेतों के अंदर अपना खून पसीना बहाते देखते हैं तब एक पीड़ा होती थी कि खास हम भी एक कलेक्टर होते हम भी एस होते हम भी कहीं अच्छी जगह पर होते लेकिन व्यवस्थाओं हो की वजह से हम नहीं कर पाए वही पीड़ा हमें आज यहां मंजिल पर ले आई और उसी आंदोलन के बदौलत आप मानिए या नहीं मानिए लेकिन आप क्रांतिकारियों के दम पर हमने सरकार को झुकाया है और सरकार से ए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच पांच मांगे मनवा दी हैं और महात्मा जो अभी बु... जो कु बोर्ड बनाया लव कुश बोर्ड बनाए उसके लिए तो हमने दो दिन पहले ज्ञापन दिए है बीस तारीख को ही ज्ञापन दिए हैं और आज देखिए ज्ञापन आपका बोर्ड बन गया क्यों बन गया क्योंकि ये आपकी ताकत उनको सबको पता है ये आएंगे फिर बड़ी संख्या में आएंगे तो इससे पहले इनको टर्का दिया जाए इनको कुछ ना कुछ देख लालच रवाना कर दिया जाए लेकिन हम छोटे मोटे लालचों में बिकने वाले नहीं है ये लड़ाई ये जो भी कुछ मिला है वो आप क्रांतिकारियों के पीछे मिला है आप सब भाइयों ने मिलकर लाठियां खाई हैं मुकदमे खाए हैं जेल गए हैं और आज गंभीर धाराओं में तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख जा रहे हैं तब जाके ये बोर्ड बने हैं तब जाकर आज महात्मा ज्योतिया फुले की जयंती पे छुट्टी बनी है तब ये फुटपाकर भाई हैं इनके लिए आज वेडिंग जोन की स्थापना हुई है और लोग कहते हैं कि फलाने सिंह ने कर दिया डिखे सिंह ने कर दिया ये कर दिया वो कर दिया अरे किसी ने नहीं किया ये किया है तो आप जैसे जिंदा लोगों ने किया है जो मुझे युवा सत्य देख रहे हैं वो जिंदा लोग हैं आपने किया ये सारी बातें आपने लड़ाई लड़ी अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते आप लोग मेरे बुलाने से बार बार जयपुर नहीं आते आप मेरे कहने से बार बार रोडों पे नहीं आते तो आज हमें कुछ नहीं मिलने वाला था आप देखो पिछहत्तर साल में कुछ मिल गया तो मुझे बताओ चैलेंज करके बताओ पिछहत्तर साल में कुछ मिला गया कोई जानता भी था क्या हमें हमारे लोगों को जब मैं कहता था ज्ञापन दे दो यार भाई ज्ञापन देने नहीं जानते थे वो आप संघर्ष आके देखिए मेरे सोशल मीडिया पर कितना संघर्ष किया है हमने 2014 से लगातार ना घर ना परिवार सब कुछ छोड़ दिया दस साल से मैं आपका एक डायलॉग सुनते आ रहा हूं हमेशा एक ही डायलॉग होता है आपका भाई आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं अरे मैं संघर्ष करते करते क्या बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाके आप सपोर्ट करोगे कब तक संघर्ष करूंगा और कब साथ दोगे मुझे ये बताइए आप आप ये ईमानदारी से ये दिल पे हाथ रख के सोगन खाइए कि आपने कहां कहां मुझे सपोर्ट किया है लेकिन मैं आज ऋणी भी हूं आपका इस बात के लिए ऋणी हूं कि आप बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दिया तन भी दिया मन भी दिया धन भी दिया मैं उन लोगों का भी रणी हूं लेकिन आज हम डेढ़ करोड़ लोग होने के बाद भी क्या हमें इतनी सहायता मिलती है क्या हम इतने से लोग हैं जो लाखों की संख्या में पहुंच पाते हैं अरे एक मैं कह रहा हूं डेढ़ परसेंट भी तो पंद्रह लाख हो गए डेढ़ लाख लोग हो गए अगर दस परसेंट लोग हम जयपुर पहुंच जाएं दस तारीख को तो हमारी मांगे आधे घंटे में मानी जाएगी याद रखना आधे घंटे के अंदर हमारी मांगे मानी जाएंगी यह जब हो पाएगा जब आप 10 परसेंट लोग भी जागरूक हो जाएंगे मेरे साथियों याद रखना मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं फुटबॉल मत बनिए किसी की फुटबॉल मत बनिए वरना जो आएगा जो लात मारेगा निकल जाएगा क्योंकि पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूं आप आम बने हुए थे जो आपको कोई आता था चूसता था और फेंक जाता था इतने सालों से अब आम बने हुए थे अब खास बन गए हो आप तो खास बनने के बाद में ऐसा नहीं हो कि आप फुटबॉल बन जाए फुटबॉल नहीं बनना है मजबूती के साथ डटे रहना है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहना है मैं मानता हूं आप हमारी लड़ाई लंबी है मुझे पता है कि दस साल तक ये लड़ाई लड़नी है मुझे लेकिन इन दस साल में कभी हिम्मत करके कभी मेरे पास आओ तो सही आप कहते हो मैं संघर्ष करूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे संघर्ष करूं कहां से संघर्ष करूंगा कब तक संघर्ष करता रहूंगा कभी आकर सपोर्ट तो कीजिए कि सीपी साहब आप जो इस दस अगर इसको जो जयपुर कूच कर रहे हो इसके अंदर मैं पानी पिलाऊंगा इसके अंदर मैं सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा इसके अंदर जो हमारे कोई भाई अगर गलत दिशा में जाने का प्रयास करेगा उसको पकड़ कर मैं एक जगह बैठाऊंगा कोई जिम्मेदारी तो लीजिए मेरे भाई कब लोगे आप क्या अकेले के दम पे सब कुछ करता रहूं फिर आप कहते हो सीपी भाई हमसे पूछता नहीं अरे मैंने आपके पैर पकड़ पकड़ के पूछा हर एक सीनियर को मैं हाथ जोड़ के पूछा कभी मैंने किसी का अपमान नहीं किया कभी किसी के बारे में मैंने गलत नहीं बोला आप प्रूफ करो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गलत बोलता हूं अरे मैं कहता हूं एक बार प्रूफ तो करवा दो अगर कोई सामान है आपके पास में प्रूफ तो करवा दे कि मैंने किसी के लिए गलत बोला मैंने हमेशा एक ही बात कही है ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है ये लड़ाई किसी नेता की नहीं है ये लड़ाई हक और अधिकारों की है यह महात्मा ज्योति फूले के वंशजों के हक और अधिकारों की लड़ाई है और आज सर्व समाज का हमारे ऊपर बड़ा योगदान है सर्व समाज के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं सर्व समाज का अथाह प्रेम होता है हमारे साथ में और जहां जहां मैं तो ये कहता हूं कि चाहे कहीं भी खड़ा हूं मैं सर्व समाज के लोग स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं अभी मुझे याद है जब मैं सिकंदरा गया था तो चाहे वो गुजर समाज हो चाहे मीणा समाज हो चाहे से वो ऐसी समाज हो हर समाज ने मेरा स्वागत किया तो मैं कैसे किसी के लिए गलत बोल सकता हूं भाई मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला और ना आज बोलना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर्व समाज को उनके हक और अधिकार लेने का अधिकार है उन्होंने भी उनके हक और अधिकार लिए हैं और हमें भी लेने चाहिए यही हमारी लड़ाई है और यही हमारी बातें हैं इसलिए मेरे साथियों मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ आपको फिर वो लोग जो चाटुकार लोग हैं अब देखो मेरे जीवन में मुझे तो चाटुकारी करनी आती नहीं है मुझे किसी का चमचा बढ़ना आया नहीं वरना मैं भी कहीं कही ना कहीं चिपक जाता किसी के और उनकी दरिया बिछाते रहता मैं उनके जयकारी लगाता रहता तो आज मैं भी कहीं ना कहीं ऑफिस में कप प्लेट तो उठा उठाता ही रहता लेकिन अपने से नहीं हुआ कभी ऐसा क्योंकि ऐसी हमें किसी को गुमराह करना कभी आया ही नहीं मुझे कभी बेवकूफ़ बनाया किसी को आया नहीं जो हमें जो आता था वो सीधा सीधा आपको पता है हमें तो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी आती है वो लड़ता रहता हूं मुझे पता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला हमें लाठियां मिलेंगी मुकदमे मिलेंगे जेल मिलेगी और लास्ट मिलेगी तारीख पे तारीख आज हमें तारीखों पे जाना पड़ रहा है बार बार बड़ी तकलीफ होती है आज एक बात बताओ जो चौरासी लोग तारीखों पर जा रहे हैं वो क्या आपके भाई बहन नहीं क्या तो आज हमारे और लोगों के मुकदमे हट जाते हैं और हमारे लोग तालियां बजाते हैं वो कहते हैं बढ़िया हुआ उनके मुकदमे अटके लेकिन हमारे जब हम तारीख पे जाते हैं तो हमारे लोग ही कहते हैं बढ़िया सालों को जेल में जाने दो बढ़िया आज बताइए हम पांच पांच दस दस साल की जेल हो गई हमें तो हमारे परिवार का क्या होगा भाई क्या होगा क्या हम इसलिए लड़ रहे थे क्या कि हम जेल में जाए क्या इसलिए लड़ रहे? क्या आपका कोई सव... कोई भी कुछ भी क्या थोड़ा सा भी अपना आपका दिल गवाह नहीं देता कि यार चलो इस लड़ाई में इनका तो छोटा सा योगदान तो दे कभी ऐसा करता है नहीं है मेरे साथियों मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं पूरे जोश के साथ पूरे उमंग के साथ में मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा लेकिन आप साथी जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं सबसे पहले उन भाइयों के मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके पास चाहे से फेसबुक हो व्हाट्सएप हो आपके पास ग्रुप हो या और भी जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे आप इस सोशल मीडिया पे वायरल करें और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि उनके भाई ने फिर चाहे अपना उनके बेटे ने उनके भाई ने उनका कुछ भी मुझे मानते हो उन्होंने एक मैसेज किया है कि दस अगस्त को फिर हम जयपुर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री हाउस कूच करेंगे हम शहीद स्मारक पर 10 तारीख को इकट्ठा होंगे 10 अगस्त को शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे वहां से सरकार को सीधी चुनौती देंगे और सरकार को यह कहेंगे कि हमारे मुकदमे हटने चाहिए हमारे बाग-बागनी बोर्ड बनना चाहिए और एक मांग अगर आज पूरी हो गई तो एक मांग और जोड़ दी गई आपको पता है मैं बता देता हूं हमारे लिए सिर्फ एक संत हुए थे बहुत बड़े संत हुए जो कि बाबा रामदेव के शिष्य थे परम शिष्य थे उनका नाम था संत लिख्मीदास जी महाराज और उनके लिए हम मांग करते हैं कि उनका जो मंदिर है जो नागौर में स्थित है वो हमारा राष्ट्रीय स्मारक घोषणा की जाए ये आज मांग में पत्र में और जोड़ते हैं क्योंकि हमारे लिए भी कम से कम एक राष्ट्रीय स्मारक तो होना चाहिए ना जो सारे हिंदुस्तान के लोग वहां जाकर अपनी बात रख सके तो हम सरकारों से आज एक मांग और मानते हैं कि लिख्मीदास जी महाराज का जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषणा की जानी चाहिए सही है ना भाइयों? तो इसलिए मेरे साथियों अब फिर एक बार लग जाइए बहुत सारी मांगे हैं हमें हमारा 12 परसेंट आरक्षण चाहिए किसी भी हाल में चाहिए किसी भी हाल में चाहिए मुझे पता है ये आरक्षण वाली लंबाई लड़ाई बहुत लंबी है भाइयों 10 साल लगनी है लेकिन मैं आपको बता दूं जो ताकत शांति में है वो ताकत और किसी में नहीं है और मैं एक बात साफ साफ शब्दों में बताता हूँ ये आंदोलन आप ये सोच रहे हैं कि सीपी सैनी का है मैं बार बार कहता हूँ सी पी सैनिक कुछ नहीं है सी पी सैनी तो एक छोटा सा कार्य करता है सी पी सैनी तो आपका बेटा है सी पी सैनी तो आपका भाई है सी पी सैनिक कुछ नहीं है हर एक भाई सी पी सैनी है आप जितने भी जो साथी मेरे लिए नहीं अपितु खुद के लिए लड़ रहे हो जो आज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हो वो सारे सी पी भाई हैं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आंदोलन आप सबका है और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलन को सफल करना अपनी मांगों को मनवाना और अपनी मांगों को पूरे जोश और जुनून के साथ उठाना यह आपका कर्तव्य बनता है इसलिए मेरे साथियों फिर तैयार हो जाइए अपन 10 अगस्त को मिलेंगे और आज इस लाइव आने का विशेष उद्देश्य ये था कि आज लव कुछ बोर्ड बन गया है उसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस लव कुछ बोर्ड के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार जिन भी लोगों को मदद देगी वो काबिल तारीफ होगी लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो ये लॉली पॉप मिलता रहे और सरकार भी जाती रहे और हमारा बोर्ड भी निरस्त हो जाए इसलिए मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन बोर्डों का चेयरमैन बनाएं इनके सदस्यों का निर्माण करें किसी को भी बनाएं हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो नहीं मरना हमने तो कहा ही नहीं हमें बनाओ हम तो लड़ने वाले हैं सब हमने तो हमारी मांगों को बता दिया आपको आप किसको बनाते हो किसको नहीं बनाते हो ये आपकी मर्ज़ी की बात है लेकिन ये आंदोलन हम सफलता के साथ हैं साथियों पूर्व में क्या घटनाएं हुई क्या नहीं हुई उस पर हम चर्चा नहीं करने देते ये आंदोलन आपका है अपना है और फिर एक बार मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों ने शानदार तरीके से दो जगह जो ज्ञापन दिए उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तारीख को सरकार को चेतावनी पत्र में तीन सौ तेरह तेसलों में ज्ञापन दिए जाएंगे और 33 के 33 जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे ये मुझे पूरी उम्मीद है सरकार को चेतावनी दी जाएगी एक तारीख को अपने पत्र के माध्यम से और आप सोशल मीडिया पे धमाक छाल लगा दो ये 10 अगस्त को फिर एक बार जयपुर कूच कर रहा है जयपुर कूच हो रहे हैं जयपुर कूच आ रहे हैं एक गुलाबी नगरी हमारा फिर एक बार स्वागत कहीं लाठी बाटो डंडो से तो मत करवाना लेकिन हम उनसे डरने वाले भी नहीं है हम शांति प्रिय कौम के लोग हम शांति से बात रखने आ रहे हैं इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप हमारा स्वागत पिछली बार करवा जैसे करवाया है वैसे तो मत करवाना हम नहीं चाहते हम क्योंकि हमने तो कभी जयपुर वासी किसी का भी पत्ते का नुकसान नहीं किया किसी पत्ते का नुकसान भी नहीं किया आज तक कोई प्रूफ कर दे कि हमने किसी के पत्ते का नुकसान भी किया है तो प्रूफ कर दो हम शांति प्रिय कौम के लोग हैं शांति से बात मांगे एक दिन बैठेंगे एक दिन सरकार नहीं जगी तो दूसरे दिन बैठेंगे दूसरे दिन नहीं जगी तो तीसरे दिन बैठेंगे याद रखना साथियों लगभग तीन चार दिन लग सकते हैं आपकी यार आंदोलन में आपको जब तक बैठना पड़ेगा जब तक हमारी तीन चार मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक आने वाले नहीं है किसी भी हाल में आने वाले नहीं है शहीद हो जाएंगे कोई बात नहीं है क्या फर्क पड़ता है जिंदगी बार बार नहीं मिलती है मैं तो इतनी बात जानता हूँ चाहे जिंदगी के दस दिन ही जीऊँ लेकिन बब्बर शेर की जैसे जीऊँ यही अपने दिल की तमन्ना है और मुझे आप जैसे बब्बर साथी मिले उसके लिए मैं ईश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूँ फिर मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद आभार हल्ला बोल के साथ दस अगस्त को मिलते हैं जय जय फूले जय हिंद जय भारत